के सबसे बड़े रेल नेटवर्क में से एक। जरा सोचिए, 65,000 किलोमीटर का रेल नेटवर्क और हर रोज लाखों लोगों को उनकी मंजिल तक पहुंचाती है भारतीय रेल। सिर्फ मुंबई लोकल में हर रोज 80 लाख लोग रोजाना सफर करते हैं। ऐसे में अंदाजा लगाया जा सकता है पूरे देश में हर रोज कितने मुसाफिर रेलवे में यात्रा करते होंगे। हिंदुस्तान की एकता और अखंडता, आम हिंदुस्तानियों की उम्मीदों की प्रतीक भारतीय रेल। बदलते बढ़ते हिंदुस्तान में एक और सपना पल रहा है, सपना है बुलेट ट्रेन का। पूरा देश हाई स्पीड बुलेट ट्रेन परियोजना को लेकर काफी उत्साह में है। अहमदाबाद और मुंबई के बीच 320 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलने वाली यह ट्रेन ये दूरी महज 2 घंटे में तय कर लेगी। यानी गुजरात के विभिन्न शहरों में रहने वाले लोग रोजाना मुंबई आवाजाही कर सकेंगे। पीएम नरेंद्र मोदी और जापानी पीएम शिंजो आबे इसकी नींव रख चुके हैं। 2022 तक बुलेट ट्रेन के सपने के साकार होने की उम्मीद जताई जा रही है। अब जब मोदी सरकार अपना आखिरी बजट पेश करने जा रही है तो उम्मीद यही है कि बजट में बुलेट ट्रेन का भी जिक्र होगा। इसके साथ ही भारतीय रेल को बेहतर बनाने की कोशिशों को गति मिलेगी। रेल मंत्री पीयूष गोयल का दावा है कि पिछले 4 सालों में रेलवे की तस्वीर बदलने की पूरी कोशिश की गई है। आने वाले बजट में जो हमने लगभग कल्पना की है सुधार की रेलवे में, या रेलवे में इन्वेस्टमेंट की, रेलवेज को और आधुनिक बनाने के लिए, सुरक्षित बनाने के लिए और यात्रियों की सुविधाएं बढ़ाने के लिए, तो उसमें 3 गुना वृद्धि सिर्फ 5 साल में होगी। 13-14 के निस्बत 18-19 में एक प्रकार से 3 गुना वृद्धि। सरकार दावा कर रही है कि बहुत कुछ किया गया है और भी अहम ऐलान किए जाएंगे, लेकिन रेल बजट से जनता को क्या उम्मीदें हैं? रेलवे में कितना सुधार हुआ है, क्या उम्मीद कर रही है आवाम? जानने के लिए न्यूज नेशन रेल सफर पर निकला है। रेल बजट आने को है और बजट आने के पहले एक बार फिर देश के लोगों की अपेक्षा, आकांक्षाएं, तमाम चीजें और उम्मीदें अपने देश के रेल मंत्री से बढ़ जाती है। इस बार लोगों की उम्मीदें क्या हैं, लोग चाहते क्या हैं रेल बजट में, रेल बजट होना क्या चाहिए, आम लोगों की क्या उम्मीदें होती हैं, आज ये जानने के लिए हम सफर करेंगे आम लोगों के साथ। सबसे ज्यादा लोगों की शिकायत है ट्रेनों के लेट होने से। जरा सोचिए, राजधानी जैसी वीआईपी ट्रेन 7 से 8 घंटे लेट चल रही हो तो दूसरी ट्रेनों का क्या हाल होगा। हर शहर हर इलाके से एक ही शिकायत, ट्रेन बहुत लेट है। ट्रेन थोड़ा टाइमिंग से चल रहे तो अच्छा रहेगा सर। बदलाव क्या चाहते हैं ट्रेन से? बदलाव चाहते हैं हम लोग कि रेलवे समय से गाड़ी चलाए, टाइम टेबल अच्छा हो। बक्सर पटना के बीच 3 घंटा की रनिंग होती है जिसमें 3 घंटा गाड़ी लेट हो जाती है। जो ट्रेन जो टाइमिंग है वो बहुत ही लेट रहती है, पूरी ट्रेन है। जो ट्रेन आनी चाहिए टाइम पे वो 15-20 घंटा लेट आ रही है। सारे यात्री परेशानी हो रहे हैं, पैसेंजर्स पूरे परेशान हो रहे हैं। ट्रेन तो लेट हो रही है आजकल बहुत ज़्यादा, बहुत कमी नहीं है, बहुत ज्यादा कमी है। जैसे कि किसी को जल्दी का कोई सफर है, जैसे किसी को जाना है 9 बजे ट्रेन आई है, 1:30 बजे आई है, 1:30 बजे 9 बजे की ट्रेन थी। एक आंकड़े के मुताबिक साल 2015 में 15 घंटे से ज्यादा लेट होने वाली ट्रेनों की संख्या 479 थी, जो 2017 में बढ़कर 1337 हो गई। ट्रेन पर कोहरे की मार न पड़े इसके लिए 2016-17 के बजट में 5000 एंटी फॉग डिवाइस लगाने का प्रस्ताव था, लेकिन अब तक सिर्फ 1381 एंटी फॉग डिवाइस लगे हैं। रेल बजट से हम जनता की उम्मीदों को समझने की कोशिश कर रहे हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं लखनऊ रेलवे स्टेशन पर। रेल यात्री क्या कुछ रेल मंत्री से चाहते हैं ये जानने के लिए आज हम एक छोटा सा सफर करेंगे। हम इस समय मौजूद हैं लखनऊ जंक्शन पर और अहमदाबाद गोरखपुर एक्सप्रेस हमारे साथ है। हम इसमें सफ़र करेंगे और यहाँ से अगले स्टेशन तक जाएंगे और स्लीपर और एसी कोच में ये जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर रेल यात्री रेल बजट से, रेल मंत्री से क्या कुछ अपेक्षाएँ रखते हैं। खास तौर पर हर व्यक्ति और हर यात्री ये कहता है कि उसको समय की बचत हो, सुरक्षा हो। दूर का सफर हो या फिर छोटी दूरी का सफर, ट्रेन की लेट लतीफी का मुद्दा है। इसके साथ ही चिंता सुरक्षित सफर को लेकर भी है। लोग सबसे ज्यादा चिंतित रेल हादसों को लेकर हैं। रेल बजट में क्या कुछ वो अपेक्षाएं रखते हैं रेल मंत्री पीयूष गोयल से। हम इस समय स्लीपर कोच में मौजूद हैं और सबसे पहले शुरुआत यहीं से करते हैं क्योंकि ज्यादातर यात्री जो है वो इसी में सफर करते हैं। कहाँ जा रहे हैं आप? मैं जयपुर जा रहा हूँ। जयपुर पहुँचे जी। अच्छा, ये बताइए कि अभी रेल बजट पेश होने वाला है, क्या कुछ अपेक्षाएं रखते हैं आप मंत्री? हम यही अपेक्षा रख रहे हैं कि जो ये ट्रेनें चल रही है वो टाइम पे चले और नंबर ऑफ ट्रेनें बढ़ाई जाए
और ये जो अभी जो देखा जा रहा है कि जो किराया बढ़ रहा है जो मॉडिफिकेशन का कैंसिलेशन का, उसको भी कम किया जाए। लेकिन आए दिन हादसे एक सबसे बड़ी वजह है जो देखने को मिल रही है, तो क्या लगता है कि तब्दीली होनी चाहिए, तस्वीर बदलनी चाहिए? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, इससे जान और जोखिम का नुकसान होता है, इसके लिए सरकार को कुछ कदम उठाने चाहिए, नई टेक्नोलॉजी लाना चाहिए जिससे ये एक्सीडेंट कम हो सके। सुविधा तो अच्छा ही है, लेकिन ये दुर्घटना वाली जो बात कर रहे हैं आप, इसके लिए कुछ उपाय करना चाहिए। प्रॉब्लम ये है ना कि यह इंडिया में ध्यान दिया जा रहा है बुलेट ट्रेन पे, जो हमारी लोकल ट्रेनें हैं उन पे बिल्कुल ध्यान नहीं दिया जा रहा है। ऐसे कितनी गाड़ी लेट हो रही हैं और कितने एक्सीडेंट्स हो रहे हैं, सबसे बड़ी बात वही है। और जो पहले थे हमारे रेल मंत्री सुरेश प्रभु, उन्होंने अच्छा काम किया है, लेकिन उन्होंने अच्छा काफ़ी अच्छा काम किया है। ऐसे सफाई बढ़ गई है स्टेशनों पर, ये अच्छा उन्होंने काम किया बड़ा। उनके जो रेल हादसे हुए वो बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। रेल हादसा कितना गंभीर मुद्दा है उसे समझने के लिए इस आंकड़े पर गौर करते हैं। 2012 से 2017 के बीच रेल हादसों में 1011 मौतें हुई। हादसे से मुंबई में हर दिन औसतन 9 लोगों की जान जाती है। सरकार का दावा है कि रेल सुरक्षा की दिशा में कदम उठाए गए हैं, लेकिन विपक्ष इन पर सवाल खड़े कर रहा है। सबसे बड़ा मुद्दा है, आप देखिए पिछले सालों से एक के बाद एक रेल की हादसा होते जा रहे हैं, और ये हादसा के सबसे बड़ा वजह यह है कि डीरेलमेंट। मतलब क्या डीरेलमेंट होता है? इसका मतलब मेंटेनेंस के लिए खर्चा नहीं दिया जाता, वहां स्टाफ की कमी है, पैसा की कमी है, सब मिलकर सबसे ज्यादा डीरेलमेंट के चलते हिंदुस्तान में एक के बाद एक हादसा होते जा रहे हैं। एक अलग ही दुनिया है भारतीय रेल की। 13 लाख से ज्यादा कर्मचारी, 19,000 रेलगाड़ी, 8,000 के करीब रेलवे स्टेशन और करोड़ों यात्रियों की उम्मीदें। रेल बजट का मौका बेहद खास होता है और यात्रियों की उम्मीदें बड़ी होती हैं। बदलाव हम लोग चाहते हैं सर। किस तरीके का बदलाव चाहते हैं? सब चीज का सुविधा हो, जैसे रिजर्वेशन सिस्टम। वो जो रिजर्वेशन सिस्टम है ना और एम्प्लॉय सिस्टम, वो दोनों भी सुधरना चाहिए। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा कि टिकट के प्राइस बढ़ाने से ज़्यादा अच्छा है रेलवे में टीटी को किन के नंबर बढ़ाए, क्योंकि बेटिकट यात्रा करने वाले काफ़ी ज़्यादा है, तो अगर टीटी ज़्यादा रहेगी तो उस पर कमांड आएगा। थोड़ा सफाई की ज़रूरत है और सब कुछ सही चल रहा है। आपको क्या लगता है स्टेशन पर क्या सुविधा बढ़नी चाहिए? स्टेशन पर सुविधा यात्री को बैठने का और सुरक्षा का होना चाहिए। समय पर और सुरक्षित सफर यात्रियों की यही ख्वाहिश होती है। इसके साथ ही एक और मुद्दा है जिस पर सालों से विमर्श चल रहा है, वो है रेलवे में भोजन का। तमाम लोगों की शिकायतें रेलवे के भोजन से। रेलवे के भोजन पर बहुत कम लोगों को भरोसा है, ज्यादातर लोग अपने घरों से ही भोजन लेकर यात्रा करना बेहतर समझते हैं। ऐसे ही यात्रियों से हमने चर्चा की। खाना पीना खा रहे हैं आप लोग? तो घर से लेकर आए खाना? जी हाँ, घर से लेकर आए। यहाँ से क्यों नहीं मंगाया आपने? मतलब ट्रेन का खाना अच्छा नहीं लगता क्या? नहीं, घर का खाना साफ होता, मनपसंद होता है। घर में और बाहर में फर्क तो होता है, घर के खाने की शुद्धता होती है। यहाँ तो आप जानते हैं क्या, आप पैट्री कार देख लीजिए तो देख करके मन दूर हो जाता है, खाने की तो इच्छा नहीं होती। सीएजी की जांच में जो बात सामने आई है उसके बारे में जानकर आप हैरान रह जाएंगे। ट्रेनों में सफर करते हुए पैंट्री कार से मंगा कर जो खाना आप खाते हैं वो इंसान के खाने लायक नहीं है। कई जगहों पर वो गंदे पानी से पकाया जाता है और दूषित होता है, ये सीएजी की रिपोर्ट में दावा किया गया है। देश के 74 रेलवे स्टेशनों और 80 ट्रेनों की जांच के बाद ये नतीजा सीएजी ने निकाला है। ट्रेनों में गंदगी होती है, पैंट्री कार की कैसी हालत होती है, इसको समझने के लिए न्यूज नेशन पहुंचा उत्कल एक्सप्रेस में। कलिंगा उत्कल एक्सप्रेस की पेंट्री कार में हम जा रहे हैं और देखते हैं यहाँ पर साफ सफाई का कितना ध्यान रखा जाता है। लेकिन अगर आपको दिखाएं तो जो डिब्बे की शुरुआत है वहां पर ही इतनी गंदगी है, इसको देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि आगे पेंट्री का क्या हाल होगा। यहां आप देखेंगे तो डस्टबिन रखा हुआ है, हालांकि डस्टबिन में पॉलिथीन अंदर है, लेकिन जो साइड का जो पोर्शन है वो बेहद गंदा है। यहां पर जगह जगह रैपर पड़े हुए हैं और अभी हमारे आने के बाद ही कैमरे को देखते के साथ यहाँ पर झाड़ू लगनी शुरू हो गई है। पेंट्री कार है ये उत्कल एक्सप्रेस की, और अगर अंदर तस्वीरें आप देखें तो अंदर अभी खाना जो है यहाँ पर बनाने की प्रक्रिया शुरू हो रही है, लेकिन फिलहाल यहाँ पर कैमरे को देखने के साथ साथ झाड़ू लगना शुरू हो गई। पेंट्री कार का ये डब्बा है और उत्कल एक्सप्रेस है जो कि यहाँ से हरिद्वार से पुरी के लिए जाती है,
और ये आप देख सकते हैं पेंट्री कार को यहाँ पर बैठे हुए हैं। क्या क्या मिलता है पेंट्री कार में यहाँ पर, क्या क्या है बताइए इधर आकर, क्या क्या मिलता है यहाँ पर? ना मिलता है, नाश्ता मिलता है, पानी मिलता है। नाश्ते वगैरह में क्या बनाते हैं? नाश्ते में ब्रेड कटलेट, ब्रेड ऑमलेट, उपमा वड़ा, पोहा। नाश्ते में चीजें तो बहुत अच्छी अच्छी बताई इन्होंने, उसको सुनकर मुंह में पानी भी आ गया। लेकिन पेंट्री कार में हम अंदर जाएंगे, किधर से रास्ता होगा इसका जाने का अंदर? आगे से, अभी सफाई चल रही है, हरिद्वार से ये ट्रेन चली है और इनका कहना है अभी सफाई चल रही है। कैमरे को देखकर इनकी सफाई शुरू हो गई है, अब आप यहाँ देख सकते हैं। अभी आपसे बात करेंगे सर, आपसे ही पूछेंगे। फिलहाल आप देखिए यहाँ पर सफाई चल रही है और जो खाना है वो यहाँ पर बनाया जा रहा है पेंट्री कार में। अंदर हम चलते हैं और तस्वीरें अंदर की भी आपको यहाँ पर हम दिखाएंगे। ये देखिए यहाँ पर गुस्से के साथ किस तरह से ओपन ड्राम यहाँ पर रखा हुआ है और यहाँ पर ये गंदगी यहाँ देख सकते हैं। अभी हालांकि कैमरे को देखने के बाद यहाँ पर सफाई शुरू हो गई है। नीचे आप देखेंगे जो गैस है जहाँ पर खाना बन रहा है वो कितना गंदा है, और उसके साथ आपके पीछे देखेंगे तो यहाँ पर चावल पड़े हुए हैं ओपन में, यहाँ पर ड्राम है और जो ड्राम में पानी यहाँ पर जो भरा हुआ है उसको हम आपको दिखाते हैं। ये देखिए ये पानी है और पानी देखने में बेहद गंदा लग रहा है, पानी के अंदर भी यहाँ पर कुछ अंदर डला हुआ है और शायद इसी पानी का इस्तेमाल खाने बनाने में यहाँ पर किया जाता है। तो ये पेंट्री है कलिंगा उत्कल एक्सप्रेस की, जहाँ पर अगर हम बात करें इस समय तो गंदगी बेहद ज्यादा है। एक आंकड़े के मुताबिक साल 2013 से 2015 के खाने में गड़बड़ी की 18,313 शिकायतें मिली। हर दिन औसतन 17 शिकायतें दर्ज होती हैं। 5,758 ठेकेदारों को चेतावनी देकर छोड़ दिया गया। 7,382 ठेकेदारों पर नहीं के बराबर जुर्माना लगा। सिर्फ 6 ठेकेदारों के ठेके निरस्त किए गए। कार्रवाई से अंदाजा लगाया जा सकता है कि तस्वीरें क्यों नहीं सुधर रही। उत्कल एक्सप्रेस की पेंट्री कार की तस्वीर आपने देखी, साफ सफाई की बहुत बड़ी समस्या है। ऐसे हालात क्यों हैं? पेंट्री कार के मैनेजर ने कुछ इस अंदाज में अपनी दलील पेश करने की कोशिश की। कलिंगा उत्कल एक्सप्रेस के पेंट्री मैनेजर हमारे साथ मौजूद हैं, वो बात करना चाह रहे हैं, उनसे हम बात करेंगे। क्योंकि साफ सफाई को हमने देखा यहाँ पर तो हमें तो कुछ तस्वीरें अच्छी नहीं मिली, लेकिन उनका कहना है कि ट्रेनें समय से लेट चल रही हैं इसी वजह से साफ सफाई नहीं हो पा रही। उनसे हम बात करते हैं। क्या नाम है सर आपका? अभय प्रताप सिंह। पेंट्री मैनेजर हैं आप यहाँ पर? तो सर क्या कहना है, अभी हमने देखा यहाँ पर गंदगी बहुत ज्यादा है, हालांकि सफाई का काम भी यहाँ पर चल रहा है, लेकिन जो पाइप है वो बेहद गंदे पड़े हैं, क्या वजह है? सर ये पाइप जो है ना वो रेलवे के अंडर में है, वो सफाई करती है, बेस होता है इनका, तो समय से गाड़ियाँ लेट चल रही हैं। हरिद्वार में जो गाड़ी शाम को 8:30 बजे पहुँचती है वो सुबह 4 बजे 5 बजे पहुँच रही है, तो उतनी उनके पास टाइमिंग नहीं है कि गाड़ी को साफ सफाई करके तुरंत रिटर्न करना है उनको, तो इसलिए उसका थोड़ा सा वेस्ट हो रहा है, साफ सफाई थोड़ी सी कम हो पा रही है, यही वजह है बस, यही वजह है। और ये जो कार्बन जम जाता है तो ये अप डाउन में एक बार साफ होता है जब गाड़ी वहाँ पहुँचती है। कई मुद्दे हैं रेल मुसाफिरों के जो बुनियादी हैं। इसके साथ ही महिला रेल यात्रियों की भी अपनी शिकायतें हैं। क्या कहती हैं महिला रेल मुसाफिर, आइए जानते हैं। ये होना चाहिए कि लड़कियों की सेफ्टी के लिए सब कुछ करना चाहिए सरकार को, और उनके लिए आरक्षित करनी चाहिए। एक अभी तक तो एक ही था रिजर्व, पर उनके लिए 2 या 3 करने चाहिए, क्योंकि लड़कियों को सेफ्टी नहीं मिल पा रही है, और उसमें आजकल लड़कियों की सेफ्टी वाले में भी अनजान लोग चढ़ जाते हैं और वो उनके साथ बदतमीजी भी करते हैं। ऊपर से उनकी खुद लेडीज बॉक्स होते हैं जो, उनमें भी जेंट्स वगैरह सब वैसे चले जाते हैं, कोई रोकता ही नहीं है उनके लिए। टॉयलेट वगैरह कैसे रहते हैं आप ट्रेवल करते हैं ट्रेन में? बहुत ही गंदे। चाहेंगे कि इस बार जो रेल बजट आए इन सब का ध्यान दिया जाए, इन सब पर ध्यान दे सरकार? बिल्कुल देना ही चाहिए, इतने गंदे टॉयलेट्स होते हैं और जो लेडीज डब्बे होते हैं जो, उसमें तो जेंट्स ऐसे घुसते हैं कि उनको कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। सिंगल अगर चलते हैं तो 50-50 आप लोग कह सकते हैं कि हाँ आप 50% मतलब अगर आपके आसपास जो लोग होते हैं उनसे आप थोड़ा सेफ फील कर सकते हैं, बट बाय चांस अगर कोई उसमें भी अगर ऐसा बंदा आ जाता है कि ये कह लो कि आप उसको देखकर सेफ नहीं फील करते, कोई ड्रिंक वाला बंदा होता है तो उसको भी देख के हम सेफ फील नहीं कर पाते हैं। विपक्ष का आरोप है कि मुसाफिरों की सुरक्षा सरकार की प्राथमिकता में ही नहीं है, लिहाजा इस दिशा में धीमी कार्रवाई हो रही है। रेलवे स्टेशनों पर कैसी है सुरक्षा व्यवस्था, इसका जायजा लेने के लिए हम पहुंचे भोपाल रेलवे स्टेशन पर। हम इस समय पश्चिम मध्य रेल के भोपाल रेलवे स्टेशन पर हैं। भोपाल स्टेशन इसलिए भी अहम हो जाता है क्योंकि ये दिल्ली से दक्षिण की ओर जाने वाली गाड़ियों के रास्ते पर तो पड़ता ही है, साथ ही साथ मध्य प्रदेश की राजधानी होने के चलते भी यहाँ यात्रियों की अच्छी खासी संख्या होती है।
ये जो स्टेशन का बाहरी हिस्सा हमने आपको दिखाया और अब आपको अंदर लेकर चलते हैं कि दरअसल यहाँ सिक्योरिटी के इंतजाम क्या कहते हैं। ये बैगेज स्कैनर मशीन इंस्टॉल की गई है लेकिन ये मशीन ख़राब पड़ी हुई है, लिहाजा ये ज़्यादा से ज़्यादा देखने की चीज़ के अलावा कुछ भी नहीं है। सिक्योरिटी की बहुत ज़्यादा उम्मीद इससे की नहीं जा सकती क्योंकि मशीन ही ख़राब है। इस स्थिति में यहाँ जो पुलिस फोर्स के लोग हैं उन्हें मैन्युअली ही चेकिंग करनी होती है, मशीन नहीं चलती है तो वो यात्रियों के बैगेज को अपने हाथों से ही चेक करते हैं और देखने की कोशिश करते हैं। हालांकि मेटल डिटेक्टर यहाँ ज़रूर है और ये काम कर रहा है, लोग यहाँ से गुजर रहे हैं तो इसमें बीप हमें सुनाई पड़ रही है, ये मेटल डिटेक्टर यहाँ इंस्टॉल किया गया है। बाकी इंतजामात को देखें तो यहाँ डिस्प्लेज लगे हुए हैं और जिसमें लिखा हुआ है कि अकेली महिलाओं के बैठने हेतु आरक्षित जगह कहाँ कहाँ मौजूद है उसकी जानकारी है और ये भी कहा गया है कि वो जगह सुरक्षाकर्मियों और कैमरे की निगरानी में है। रेल यात्रियों की उम्मीदें हैं, उनकी शिकायतें हैं, लेकिन सरकार का अपना लक्ष्य है। सरकार का कहना है कि 2020 तक हर यात्री को मिलेगा कंफर्म टिकट, 2020 तक 95% ट्रेन समय से चलेंगी, 2020 तक मानव रहित फाटक खत्म कर दिए जाएंगे, 2020 तक ट्रेनों में बायो टॉयलेट लगाए जाएंगे, 2020 तक 50% तक बढ़ जाएगी रेलवे की स्पीड। लेकिन क्या वाकई ये वायदे पूरे हो पाएंगे? क्या मिशन 2020 को अंजाम तक पहुंचाने के लिए सरकार बड़ा ऐलान करेगी? पटना से रजनीश सिन्हा और गाजियाबाद से हिमांशु के साथ टीम न्यूज़ नेशन।